कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में भी शुक्रवार से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे कई लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की गई। अधिकारियों ने बताया इस बार के लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, साथ ही लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए आवश्यक सामग्रियों की दुकानों की व्यवस्था भी की गई है। जांजगीर चांपा जिले में इस बार जो है जोनल सिस्टम से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में जो है हर एक एक दो दो वार्ड को जोनल जोन बना दिया गया है, जिसमें हर आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था उस जोनल में की गई है, ताकि लोगों को जो भी आवश्यक सामग्री है वो उनके वार्ड में ही उपलब्ध हो सके और आवश्यक रूप से वो बाहर ना निकल सके। हमारे साथ एक आज नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। व्यवस्था इस बार लॉकडाउन में है नगरी क्षेत्र में, क्या व्यवस्था की गई है इस बार? इस बार जो है जोनल व्यवस्था की गई है नगर पालिका द्वारा, और हर एक एक दो दो वार्ड में जो है हमारे द्वारा बैरिकेड लगाया गया है। लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसकी इसको देखते हुए जो है उनके वार्ड में सब्जी और फलों की दुकान व्यवस्थित की गई है, ताकि वो अपने ही वार्ड पे जो है सारा अपनी जरूरत की जो सामग्री है ले सके। लॉकडाउन को लेकर इस बार जिले के अधिकारी काफी गंभीर हैं और कड़ाई से जो है इस बार जिले में लॉकडाउन कराया जा रहा है। अनावश्यक रूप से निकलने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही साथ लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले के नगरी क्षेत्रों में जो जोनल सिस्टम बनाया गया है वहाँ आवश्यक जो सामग्रियां हैं उनकी दुकानें भी लगाई गई है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रवि गोयल, जांजगीर।